हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, मौसम बदलते वक्त डिफरेंट तरह की बीमारियां जैसे वायरल फीवर हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं, और इस बदलते मौसम में अलग अलग तरह के बुखार, चाहे चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, अक्सर ज़्यादातर लोगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। कुछ घरेलू नुस्खों के उपयोग से या उनके प्रयोग से आप इन बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर आप इसमें से किसी भी एक बुखार की चपेट में हैं और आपके जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी का होना, जी मचलाना या प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो गए हैं, तो उनको इंक्रीज़ करने के लिए एक बहुत ही आसान सा नुस्खा आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पपीते के पत्तों का सेवन या उसके जूस का सेवन करने से बुखार में काफ़ी फ़ायदा होता है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित भी है। और इससे डेफिनेटली जो आपके जोड़ों का दर्द हो या बुखार हो या प्लेटलेट्स काउंट का बढ़ना हो, उन सब में फ़ायदा होता है। तो आइए जानते हैं कि हमें किस तरीके से पपीते के पत्ते का जूस निकालकर उसका सेवन करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, कब तक करना है। सबसे पहले आप पपीते के पत्ते यानी कि सूखे या पीले वाले पत्ते नहीं यूज़ करने हैं, जो पपीते के हरे पत्ते होते हैं उसको आपको काट कर लाने हैं। एक टाइम के लिए आप एक पत्ता काट कर लाएँ और उसका जो तना होता है, जो डंठल होता है, उसको काट कर फेंक दें। उसके बाद में आप उन पत्तों को साफ करके धो लें। धोने के बाद में आप उनको चाकू की हेल्प से छोटे छोटे पीसीस में काट दें। अब इनके जूस निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं। अगर आपके पास जूसर है तो आप इन कटे हुए पत्तों को जूसर में डालें और डायरेक्ट इसका जूस निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप इन कटे हुए पत्तों को ग्राइंडर में डालें और थोड़ा सा उसमें पानी डालें, फिर उसको अच्छे से ग्राइंड करें। उसके बाद में आप किसी कपड़े की हेल्प से या चाय छन्नी की हेल्प से उसका जूस निकाल सकते हैं। या तीसरा तरीका ये होता है, अगर आपके पास जूसर या ग्राइंडर नहीं है तो आप इन कटे हुए पत्तों को जो हमाम दस्ता होता है उसमें अच्छी तरीके से कूट लें यानी कि पीस लें। जब वो उनका पल्प बन जाए तो आप उसको किसी कपड़े में डालकर उनको अच्छी तरीके से निचोड़ें। इसके निचोड़ने से आपका पपीते के पत्तों का रस या जूस निकलकर तैयार हो जाएगा। आपको इसी जूस का दिन में 2 से 3 बार सेवन करना है, को पीना है। जिस भी डॉक्टर से आपकी दवाई चल रही हो, एक बार आप उनसे भी ज़रूर कंसल्ट कर लें और उनके बाद में आप इसका सेवन करना शुरू कर दें। अगर आपको बुखार या कोई भी बीमारी नहीं है और आप उनसे बचना चाहते हैं तो आप दिन में 1 चम्मच इस जूस का सेवन करें। सुबह के टाइम में भी आप कर सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा कड़वा लगता है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत कड़वा होता है, तो आप अगर चाहें तो 1 बड़ा चम्मच इस जूस का लें और उसको आप किसी दूसरे जूस में मिक्स करके, चाहे अनार का जूस हो या मौसम्बी का जूस हो, उसमें मिक्स करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। लगभग 1 हफ्ते तक अगर 3 टाइम किसी बुखार के मरीज को, चाहे वो मलेरिया से ग्रसित हो, चिकनगुनिया से ग्रसित हो या डेंगू से ग्रसित हो, उसको अगर आप इसको पिलाएंगे तो आराम से उसका बुखार भी ठीक होगा। और स्पेशली जो प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाते हैं, ये उसको तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके और भी अनगिनत फ़ायदे होते हैं। जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर को भी कंट्रोल करता है। ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं बल्कि जो फेफड़ों का कैंसर होता है या जिगर का कैंसर होता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। पीरियड्स के दौरान अगर ज़्यादा दर्द होता है तो लेडीज़ इसका सेवन करें, डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच आप पपीते के रस को डालकर उसका सेवन करें तो जो पीरियड के दौरान दर्द होता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और डेंगू वायरस को तो कंट्रोल करता ही है, और जिन लोगों को भूख ना लगने की शिकायत होती है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये खून की कमी को भी दूर करता है, खून को भी साफ करता है। और अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो ये चेहरे पर निकलने वाले जो पिंपल्स होते हैं या स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पेट की गर्मी की वजह से या पेट खराब होने की वजह से होती हैं, ये उनको भी कंट्रोल करता है। तो आप इसका विदाउट हेजिटेट पपीते के पत्तों के जूस का आप सेवन करें, आपको अनगिनत फ़ायदे होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल देसी नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।